यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कैश क्रॉप सेब की मार्केट तक पहुंचने के लिए सेब सीजन से पहले ही सरकार की तैयारियां पूरी नहीं करने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई 100 करोड़ की सेब फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सड़कों, पुलों और ग्रामीण इलाकों की छोटी सड़कों के हालात नहीं सुधारे हैं और आलम यह है कि हर गांव और पंचायत में सेब की फसल तैयार है लेकिन भारी बरसात के चलते बागवान अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बागवानों को मंडियों में जितने दाम मिलने चाहिए वो भी हासिल नहीं हो पा रहे। किसान बागवानों को तैयार माल के साथ मंडियों के बाहर सड़कों पर कई बार 2 दिनों तक माल बेचने के लिए इंतजार करना पड़ता है। देखिए, सेब का सीजन पूरे यौवन पे है और इस वक्त जो सेब उत्पादक क्षेत्र है, जो जितने भी संपर्क मार्ग हैं, वो बहुत खस्ता हालात में है। हमारा सरकार से आग्रह है कि उन संपर्क मार्गों को तुरंत ठीक किया जाए, जिस स्तर पे काम किया जाए ताकि सेब उत्पादक जो क्षेत्र है वहाँ सड़कों की ठीक मरम्मत हो और किसान और बागवान अपने उत्पादन को ढंग से मंडियों में बेच सकें। देखिए, अभी सोशल मीडिया में कोई पत्र जो है मंत्री का कोई पत्र लीक हुआ है और मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि वो इस बारे में विधानसभा में चर्चा करेंगे और वो कह रहे हैं कि किसी अधिकारी का काम है, ये उन्होंने कहा है। हमारा ये कहना है कि कोई भी बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए, जो लोग सक्षम है उन्हें ही जो है जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई बैकडोर एंट्री होती है और अक्षम लोगों को लगाया जाता है तो हम इसका विरोध करें।